कोर्ट कचहरी में आपने हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल होते हुए खूब देखा होगा। अगर हम कहें कि भारत में इन्हीं दो भाषाओं में सबसे ज्यादा दलीलें पेश की जाती है तो इसमें कोई शक की बात नहीं होगी। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी की जगह कोई वकील अगर संस्कृत में ही वकालत करने लगे तो वाकई ये सबको हैरान कर सकता है, पर ऐसा सच में है। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक ऐसे वकील हैं जो ना अंग्रेजी में लिखते हैं न ही हिंदी में। उन्होंने अपनी भाषा के रूप में संस्कृत को चुना है। वह अपनी वकालत 40 सालों से संस्कृत भाषा में ही करते हैं। ये वकील हैं आचार्य श्याम उपाध्याय। मेरा नाम श्याम जी उपाध्याय है, पुत्र स्वर्गीय पंडित शंखा प्रसाद हूँ, मिर्जापुर जनपद का निवासी हूँ और 2 जुलाई 1947 को मेरा जन्म हुआ है। कितने सालों से आप बनारस के कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखा जाता है आप संस्कृत में सारे केस करते हैं। 1978 ईस्वी में मैं पंजीकृत अधिवक्ता हुआ और 1978 ईस्वी से ही संस्कृत भाषा में कार्य का काम प्रारंभ किया और 1978 से लेकर आज तक अविच्छिन्न रूप से अनवरत कंटिन्यूअस हम संस्कृत भाषा में ही कानून का सारा काम करते चले आ रहे हैं और जब तक हम वाराणसी कचहरी में रहेंगे जीवित संस्कृत भाषा में ही कानून का सारा काम करते हैं। श्याम उपाध्याय जी अपने हुलिये से भी सबसे अलग है। वो काला कोट पहनने के साथ माथे पर त्रिपुंड और तिलक लगाते हैं। इनका व्यक्तित्व जितना और व्यवहार दोनों ही बहुत सरल है। इनके पास जो भी केस लेकर आता है उसको भी बहुत ही सहजता से संस्कृत भाषा में समझाते हैं। यही नहीं, सुबह 4 बजे से उठने वाले श्याम जी उपाध्याय महादेव के बड़े भक्त हैं। वे सबसे पहले भोलेनाथ की पूजा करते हैं और फिर कचहरी का काम शुरू करते हैं। श्याम जी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिता ने कहा था कि कचहरी में काम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में होता है, परंतु संस्कृत भाषा में नहीं। ये बात मेरे मन में घर कर गई और मैंने संस्कृत भाषा में वकालत करने की ठानी और ये सिलसिला आज भी जारी है। एक बार मेरे पिताजी मिर्जापुर जनपदीय कचहरी गए थे किसी काम से, तो वहाँ उन्होंने देखा कि अंग्रेजी में काम अदालतों में हो रहा है, हिंदी में काम हो रहा है और कहीं कहीं उर्दू भाषा में भी कुछ अधिवक्ता बोल रहे हैं काम करने, किंतु संस्कृत भाषा में कहीं कोई काम अदालत में किसी भी कोर्ट में नहीं हो रहा है। तो कचहरी से आए तो मैं बड़ा छोटा सा था, 7-8 साल के लगभग उस समय अवस्था रही होगी, मैं उनके साथ था और वो किसी आदमी से बातचीत कर रहे थे और उस आदमी से कह रहे थे कि कचहरी में संस्कृत भाषा में काम नहीं होता, कानूनी काम संस्कृत में नहीं होता, अंग्रेजी हिंदी आदि भाषाओं में काम हो रहा है लेकिन संस्कृत की बड़ी उपेक्षा है अदालतों में। तो उसी समय मैंने हम यह निर्णय लिया कि मुझको कुछ नहीं होना है, मुझको वकील होना है, संस्कृत सीखकर कानून का सारा काम हमको संस्कृत भाषा में ही संपन्न करना है, ऐसा हमने निर्णय लिया दिमाग। बतौर आपराधिक मामलों के वकील श्याम जी उपाध्याय ने 1978 से अब तक कई मुकदमे लड़े। उनका दावा है कि उन्होंने अब तक एक भी मुकदमा नहीं हारा है। वह वाराणसी के सत्र न्यायालय में वकालत करते हैं। बता दें कि संस्कृत भाषा के क्षेत्र में श्याम जी उपाध्याय के विशेष योगदान के लिए साल 2003 में भारत सरकार ने उन्हें नेशनल संस्कृत अवार्ड संस्कृत मित्र से नवाजा था। इसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं।
अब तक सारा मुकदमा हम संस्कृत में ही लड़ रहे हैं और देख रहे हैं, और किसी भी मुकदमे में मैं पराजित नहीं हुआ हूँ, और अनगिनत मुकदमे अब 1978 से लेकर के आज तक समझ लीजिए 45-46 साल के लगभग हो रहा है, न जाने कितने मुकदमे निर्णित तो हुए हैं, और संस्कृत में बहुत करने के पश्चात मुकदमों में फैसला हुआ है। 302 का मुकदमा लड़ा छूट गया, 392-96 का लड़ा छूट गया, 376 लड़ा छूट गया, 326 लड़ा छूट गया, 324 लड़ा छूट गया, किसी में भी पराजय नहीं, 326 में भी जीत हुई कि इंडियन पेनल कोड की सभी धाराओं को हम लड़ चुके हैं, और हर मुकदमे में हमारी जीत हुई और मुवक्किल छूट गया। इस तरह से संस्कृत का व्यापक प्रभाव कचहरी में होने के कारण 78 से लेकर के आज तक संस्कृत भाषा चल रही है, इतने से ही समझ जाइए। अगर किसी प्रकार की कोई बात होती तो भाषा कभी रुक गई होती, पीठासीन अधिकारी अगर अलाउ न करते तो हम संस्कृत में बोल न पाते, और अब तो सर्वोच्च न्यायालय तक जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं में काम करने की स्वीकृति मिल गई है, अब संस्कृत भाषा विधि भाषा हो गई है, सारा विधि ज्ञान जो है संस्कृत में है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।